आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। अब दर्शकों के सवालों के सवाल भी शुरू करेंगे, लेकिन एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछें, या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमसे। नंबर नोट करें 1800-1803545। व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर जाके अपने सवाल पूछें। इस वक्त अनिल जुड़े हैं सूरत से अपना सवाल पूछने के लिए। अनिल गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका। अरे गुड आफ्टरनून, हमारे पास टाटा पावर के 100-200 शेयर है 80 रुपीज पर, और फ्यूचर कंज्यूमर है 26 रुपीज पर 500 शेयर। ये दोनों शेयर में क्या करना चाहिए अभी? टाटा पावर के साथ दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? 80 रुपीज। ठीक है, राजेश तांबे आपसे होगा मेरा सवाल। टाटा पावर ऑलमोस्ट 80 रुपए की खरीद है, इनकी खरीद से 2 रुपए ऊपर है, स्टॉक आज दिन के ऊपरी स्तर पर है, क्या करना चाहिए अभी? अनिल जी, there's a more of a clarity which is supposed to come in from the power ministry, और हमारे जो minister हैं Mr. Piyush Goyal, तो मैं तो समझता हूँ कि उनके जो programs हैं, I find him a very dynamic minister in the Modi government. I'm not for any of the government supporters of any of the government, but when I read his articles, जब मैं उनके tweets देखता हूँ, I find him he's a dynamic guy, and of course by profession he's a chartered accountant, first attempt chartered accountant है. वैसे लोग मुझे बड़े पसंद हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि पावर में आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, एंड द मोमेंट इन फैक्ट देयर इज अ मोर ऑफ अ क्लैरिटी कमिंग इनटू पावर सेक्टर, टाटा पावर हैज़ टू डू वेरी वेल। और उनका जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है वो भी शुरू हो गया है, तो कैपेसिटी वाइज दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया नेक्स्ट टू NTPC, तो दे विल डू वेरी वेल। एज फार एज फ्यूचर कंज्यूमर्स इज कंसर्न, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, वॉलमार्ट के दिन खत्म हो गए, अभी ऑल अब दिन आ गए अमेजोन और इसके ई कॉमर्स के, आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अवॉइड करें रिटेलिंग इंडस्ट्री को एज अ होल, कंप्लीट रिटेलिंग सेक्टर को अवॉइड कर। जी, अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सोलापुर से। सुभाष नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्ते मैडम, मेरे पास जस्ट डायल के शेयर है। पूछिए, जस्ट डायल के शेयर आपके पास किस प्राइस पर हैं? 432 प्राइस पर है। 429 आपका परचेसिंग प्राइस है, और क्या टाइम होराइजन है आपका? 1-2 महीने। ठीक है, छोटी अवधि का नजरिया है इनका धवल, 429 की इनकी खरीद है, और स्टॉक अभी उन्हीं लेवल्स पे एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह आप इनको देंगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से? मेरे ख्याल से जिस तरह से ये स्टॉक में गिरावट आई है उसके बाद जो बाउंस हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बाउंस थोड़ा अभी भी कंटिन्यू रहेगा। विथ स्टॉप लॉस अराउंड 415 आप पूरी क्वांटिटी होल्ड कीजिए, और ऊपर में जो है टारगेट मेरे ख्याल से 455 के अराउंड जो है अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ काइंड ऑफ होल्ड। ऑलराइट, अगले दर्शक है विनोद, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विनोद गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका। विनोद अपना सवाल पूछिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सवाल उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर किया है। विनोद का क्वेश्चन है एनसीसी को लेकर, 800 शेयर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 65 पर खरीदे हुए हैं। मिस्टर तांबे क्या राय रहेगी आपकी? कौन सा, एनटीपीसी और एनसीसी? एनसीसी की बात करें, 65 की इनकी बाइंग है, 86 पर आज स्टॉक है, यानी अच्छे मुनाफे के साथ ये फिलहाल बैठे हैं, क्या करना चाहिए? You mean to say NCC, National Construction, okay. नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। अगर आप मेरे को NB, तो इसकी जगह पे NBCC ले लीजिए ना, why do you want to get into NCC? NCC कुछ नहीं है, ये अरे एक रिफाइनरी तक लगा नहीं पाए, पता नहीं कौन सी सेकंड हैंड रिफाइनरी लगाना चाहते थे, वो भी कभी जिंदगी में लगाई नहीं, छोड़ो इसको, यू शिफ्ट ओवर टू NBCC। जी, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक हैं गाजीपुर से। अभिषेक नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम मैंने 110 के भाव से 100 शेयर लिया है NECC का। क्या परचेजिंग प्राइस है आपका? 110 पे। 110, ठीक है, और कितना समय आप देंगे इस स्टॉक को? 6 महीने तक। 6 महीने, लेकिन आपने बहुत हायर लेवल्स पे खरीदा ये स्टॉक। क्या सलाह होगी धवल? आप देखिए NECC एक लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनी है, और अब से सिर्फ 1 महीने पहले स्टॉक का जो प्राइस था वो 36-37 रुपए होता था। वॉल्यूम्स कम होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन इसमें एकाएक बूम आया, एक सडन स्पर्ट आया, और महज कुछ ही सेशंस में ये 35-36 रुपए का शेयर 100 के ऊपर चला गया, और तब इन्होंने खरीदा, इसीलिए नुकसान में भी हैं, क्या करें अब? सी नॉट अ ग्रेट स्टॉक, जब देखिए सर्किट पे सर्किट लगती है ऐसा स्टॉक में कुछ दम नहीं मेरे ख्याल से होता है, और काफी बार मौका नहीं देता ये एग्जिट करने का। मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी भी डाउन सर्किट में है ये स्टॉक, इतना चांस नहीं देगा, बट नॉट अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से अभी भी जितना लॉस है आपका
उसमें आप जो है बुक करके निकल रही, क्योंकि ये इतना बढ़िया स्टॉक नहीं है कंपेरेटिवली. मेरे ख्याल से सोना स्टीयर कैन बी वेरी गुड स्टॉक एट करंट लेवल्स ऑफ 82 फॉर अ टारगेट नियरली 115 अगर आप एक साल डेढ़ साल रख पाते हैं. जी चलिए एग्जिट करने की सलाह है. अभी भी लोअर सर्किट पर लॉक्ड है ये, जितनी तेजी से ऊपर गया था उसी तेजी से नीचे आ रहा है. आप ट्रैप तो हो गए हैं शायद, लेकिन कोशिश कीजिए जैसे ही मौका मिले आप तुरंत अपने नुकसान भले हो रहा हो लेकिन आप एग्जिट करें. इस बीच सीएससी को देख लेते हैं. अभी भी नंबर्स आए हैं, जो मुनाफा है वो 152 करोड़ रहा है 145 करोड़ से बढ़कर, और आय भी 1583 करोड़ से बढ़कर 1632 करोड़ रही है. और अगर आप स्टॉक देखेंगे सीएससी का तो लोअर लेवल्स से थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी 1.5% की कमजोरी देखी जा रही है सीएससी के स्टॉक में. लेकिन मुनाफा एक बार फिर से बता दें 145 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़ रहा है. 816 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं सीईएससी के स्टॉक में. एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते हैं, खास बातचीत हुई न्यू इंडिया एश्योरेंस के चेयरमैन जी श्रीनिवासन से, जिन्होंने कहा है कि कंपनी को आईपीओ लाने में 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा. न्यू इंडिया एश्योरेंस आईपीओ लाने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी, और मिस्टर श्रीनिवासन के मुताबिक आईपीओ के लिए सरकार से सभी मंजूरियां मिल गई हैं. कंपनी के आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है, तो सर अब किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ मार्केट में आएगा. तो अब तक की आपकी किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ प्लान हो चुका है, कितना काम हो चुका है और अभी कितना काम बाकी है, पूरी टाइमलाइन किस तरह की होगी? See, we have received the approval from the government to go ahead with the listing of the company. So we have already started the process. Normally it takes a period of 6 to 8 months to really hit the market, and of course we also will have to see whether the market is right at that point of time. So I'm very confident the year 2017-18 New India shares will be listed in the stock market. और सर जो इस लिस्टिंग के जरिए जो पूंजी जुटाई जाएगी तो उसका इस्तेमाल किस तरह होगा, किस जगह पे होगा? See, listing is generally a good thing for the company because it adds to the profile of the company. It also leads to better corporate governance and more transparency. It also gives an opportunity to the retail shareholders, our employees, to participate in the welfare of the company. So this is something which is beneficial to all the stakeholders. Yes.